पानीपत में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आए दिन शहर में जगह जगह चोरियां हो रही हैं। लाख कोशिशों के बाद भी चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पुलिस अभी शहर के ऐतिहासिक देवी मंदिर में हुई चोरी की जांच में जुटी हुई थी कि चोरों ने स्वर्णकार संघ और प्रताप बाजार व्यापार मंडल के प्रधान चंद्र सहगल के घर में लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी कर पुलिस को चुनौती दे डाली। बीती रात हुई चोरी की इस घटना में एक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो घर के आंगन में खड़ा है। उसने मंकी कैप पहनी हुई है। बताया जा रहा है कि उसके अन्य साथी अंदर चोरी कर रहे थे और वह बाहर पहरा दे रहा था। ऐसा जी, आज सुबह 8-10 के आसपास कंट्रोल रूम से फोन आया था कि कलंदर चौक के पास चंद्र साइकिल है, उनके मकान में चोरी हो गया। मौके पहुंचे, मौके पर गए हैं, देखा चोर अननोन, पता ना मालूम है चोर। उन्होंने खिड़की ग्रिल तोड़ के अंदर से जो स्टोर रूम है उसमें से जेवरात रखे थे उनके, वो चोरी कर लिए हैं और उसकी तफ्तीश जारी है। अभी मौके पे FSL टीम को बुलाया गया है, उन्होंने भी अपनी जांच की है, बाकी आगे तफ्तीश जारी है। चंद्र सहगल ने बताया कि बीती रात वह लोहड़ी मनाने बेटी के घर फरीदाबाद गए हुए थे। हालांकि रात को ही वो वहां से घर के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में धुंध के चलते सुबह 5 बजे अपने घर पानीपत पहुंचे। जैसे ही घर में पहुंचे तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि चोर उनकी पत्नी और पुत्र वधु के सारे जेवरात और नकदी चुरा ले गए। यहाँ फरीदाबाद गए हुए थे, उनके लोहड़ी का प्रोग्राम था, तो हमारा रात को आने का प्रोग्राम था। हम कल शाम को निकले थे, तो रात को हम वापसी वहाँ 11 बजे चल पड़े। हमारे उम्मीद थी कि 1-1.5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, लेकिन धुंध की वजह से हमें आते आते बहुत टाइम लग गया, जो कि हम सुबह 5-6 बजे के लगभग हम पानीपत पहुँचे। तो इस दौरान चोरों ने रात का घर पर ना होने का फ़ायदा उठाकर सारा सामान, जो भी मेरी पत्नी का और मेरी पुत्र वधु का सामान था, वो जेवर थे, चांदी था, कैश था, वो सारा उठा के ले गए। चोरी की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी मौके पर पहुंचे। घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के विधायक और सांसद को यदि चुनाव से फुर्सत मिल गई हो तो वह शहर को संभाले। हम तो कहेंगे जो इस शहर के अंदर चोरियां हुई हैं, यहां के जो प्रतिनिधि हैं, MLA साहब हैं, सांसद महोदय हैं, उनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा सख्ती से ढीलापन यहां पर मत बरतें, और जो यहाँ पर लोगों के बीच में चोरियाँ हो रही हैं, क्राइम हो रहा है, उस पर थोड़ा सा रोक लगाने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि उनको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मैं यही कहूँगा ना, जनप्रतिनिधि होता है वो मालिक होता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो MLA साहब हैं, सांसद महोदय हैं, अगर उनको चुनाव से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा बहुत शहर भी संभाल लें।